नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बीच में। आज हमारे पास में HF गाड़ी आई है, जिसका ये गियर लीवर है, ये देखिए, जो गियर डालने का होता है। ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम आई है। ये देखिए, इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल से ख़राब हो चुकी है डालने के बाद में। न तो गियर डलता है, न निकलता है। तो हम इसका देसी जुगाड़ बताएंगे हम आपको, और सबसे सरल तरीका बताएंगे। ये देखिए क्या है, ये देखिए, इसमें चूड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नॉर्मल जुगाड़ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक बारीक पत्ती वगैरह लेनी है, जैसे कोई लोहे का पात हो, कोई भी हो, उसे ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से उसका छोटा टुकड़ा काटिए, लगभग 1 इंची बाई 1 इंची का। इसके बाद में आगे दिखाते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमने 1 बाई 1 का एक टुकड़ा काट लिया है, और इसको सबसे सरल तरीका है कि इसको पीछे से लगभग 1 mm छोड़ करके यहाँ पे इसके लोहे के कट मारना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा काट लेना है, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये काट लिया है। और ये काटने के बाद में इसको बारीक गोलाई के अंदर ऐसे जिस और अंदर डल जाए ऐसे काट लेना है। ये देखिए, आप इसको काट रहे हैं। इस काटने के बाद में इसको बाहर की ओर मोड़ना है, जो कटा हुआ हिस्सा है। ये देखिए, इसको इस अनुसार बना लेना है कि ये अंदर डल जाए। और इसके बाद में ये देखिए, ये गोल पाइप आधा कटा हुआ वैसे बन जाएगा। इसके बाद में इसको लेना है, गियर लीवर को, और इसको नीचे की ओर इसके अंदर बैठा करके, ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल से ये चिपक चुका है, अंदर पाइप डल चुका है। ये देखिए, ये डलने के बाद में इसको आगे उसमें लगा के दिखाते हैं कैसे लगाना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब इसको सीधा ही इसके अंदर जहाँ पे सेटिंग करनी है उसके अनुसार इसको ठोक देना है। इसको बारीक ठोकना पड़ेगा हथौड़ी की सहायता से। ये देखिए, ये हथौड़ी है, हथौड़ी की सहायता से इसको ठोक के और स्क्रू लगा के आगे दिखाते हैं कैसा काम करता है ये। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर ये अच्छे से इसको अंदर ठोक करके, और जो इसका 10 नंबर का स्क्रू है, ये देखिए बोल्ट है, ये इसके अंदर लगा दिया है। ये देखिए अंगुली के पास में, और इसके पास में हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सही काम करने लगा है। जो पहले फ्री चल रहा था, अब कोई भी पल्ले नहीं है। आप इसके अंदर देखिए, मैं हिला के दिखा रहा हूँ, कोई पल्ले वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। तो आप ऐसे ही इसको ठीक कर सकते हैं, और अगर इसका परमानेंट इलाज चाहिए तो इसका गियर राड है वो बदलना पड़ेगा, या इसको यहाँ से अंदर से एक छेद निकाल करके वेल्डिंग लगानी पड़ेगी, तब भी ये इलाज हो सकता है। और आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।